ये मिनी व्लॉग बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कौन आगे जाएगा? जाओ जाओ। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं जाता हूँ। सो फाइनली डिसाइड करने के बाद कि मुझे पहले जाना था पर ऐसा हुआ नहीं, इसके लिए मैं लास्ट में जा रहा हूँ। ओए थोड़ा पास आओगी, वीडियो बना रहा हूँ। अरे नहीं चलो ना। क्या क्या कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है? हाँ एक मिनट आ यार। कुछ ज्यादा ही हिल रहा है ये ब्रिज, फोन ना गिर जाए यार यहाँ से। हाँ वो उधर वाला एक नंबर व्यू है, और कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। हेलो, लगता है गाली दिया अपने भाषा में। ब्रिज को ज़्यादा ही हिल रहा है, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया, तो एक्सपेक्टेशन से भी कर। रील नहीं व्लॉग बना रहा हूँ मैं, व्लॉग। आ तो रहा है बट हिल रहा है पूरा कैसे। हाँ अरे मेरा हाथ भी कांप रहा है। डर रहे क्या? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज पर चलना और वीडियो रिकॉर्ड करना सबके बस की बात है ना। आते ये ब्रिज ना ऊपर से ना नीचे से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। बस ब्रिज का मैं बोल रही थी कभी से, नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। अरे तो तुम्हें ऐसी सरप्राइज देना था, ये पूछ रही थी ब्रिज हिलता है क्या, मैं बोला नहीं। गिरोगी आगे का तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी दुनिया में चल के जा रहे हैं। ओ अच्छा आप समझा, ये जो ब्रिज कनेक्टेड है ऊपर पेड़ से, उसी पे से जाना होगा लगता है। ये फुल एकदम अवतार मूवी जैसी वाइब दे रहा है, क्या ज़बरदस्त है, मस्त व्यू है। फटाफट रील बना लेता हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ क्या ज़बरदस्त लगेगा ये शॉट। आई गेस यहाँ से सारे ब्रिजेस चालू होंगे पार्क में घूमने के लिए, और यहाँ का व्यू सच में ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ही दुनिया है। टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू शॉट ये रील के बहुत काम आएगा। ठंड को ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, और ऐसे ठंड में वो भी बिना ग्लव्स के वीडियो शूट करना एक अपने में ही अलग ही स्टंट है। ये अपना पहला व्लॉग है, तो कुछ है बोलना है या कुछ एक्टिंग करना है? कुछ करो, कुछ करना है तो। वाह ये सही था। अरे मैं रिवर्स चल रहा हूँ बिना पकड़। वाह बाल बाल बचा मैं तो। इधर से क्या व्यू दिख रहा है, मस्त एकदम जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। ओ क्या सेक्सी दिख रहा है यहाँ से। और ये दूसरा ब्रिज है, और सारे के सारे ब्रिज थोड़े हिलते कांपते रहते हैं, इसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा डर सा भी लगता है। ओह सॉरी, सब के सब बस वीडियो ही बना रहे हैं। इधर 90% लोग के हाथ में फ़ोन कैमरा चालू ही है। इतने लोगों को शूट करते हुए देखकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सोचा कि रील बनाने से अच्छा एक बार व्लॉग ट्राई किया जाए। हाँ उधर मेरे को लग भी रहा था कि कहीं फ़ोन गिर गया, तो पीछे देखो यहाँ पे जो बीसी में रहते हैं, बीसी बोलते ब्रिटिश कोलंबिया में जो रहते हैं, वो लोग के लिए ये अच्छा है कि एक बार के टिकट में साल भर आ सकते हैं। एंड करेंटली सिंगल टिकट का प्राइस अभी $62.95 है। हाथ दो ऐसे। $62.95 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अराउंड 3,800 रुपये के आसपास होना चाहिए।
और ये जो छोटा सा झोपड़ी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लोग खड़े होके अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। एंड फाइनली ये शायद आखिरी ब्रिज होगा जो ज़मीन पर है, और इधर का व्यू क्या ब्यूटीफुल है, वो जो पेड़ लटक रहे हैं मतलब अलग ही लेवल के लग रहे। ये नेचर के साउंड की कुछ अलग ही बात है। मुझे लगा कि हम एकदम नीचे आ चुके हैं, पर अभी भी हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। यहाँ से मतलब देखने को भी डर लगता है। ये ठंड टाइम के साथ बढ़ते ही जा रहा है, हाथ पूरा सुन्न हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोन पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे शाम के वक्त आना चाहिए था, क्योंकि ये सब लाइट्स चालू होते, पूरा अंधेरा होता, एकदम मस्त मैजिकल मोमेंट होता। फाइनली थोड़ा टाइम पास करने के बाद अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, तो ये लाइट्स एकदम खिल के आ रहे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बहुत ठंड के वजह से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाथ सुन पड़ रहे, बट ये जो एनवायरनमेंट है पूरा पैसा वसूल है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी वही सेम झूलते हुए ब्रिज से अभी हम घर जा रहे हैं, और इधर आने के बाद एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी डिफरेंट है। और थोड़ा बहुत वो अवतार मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह पूरा एनवायरनमेंट है, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर एक आप आने वाले हो तो अपने साथ ज़रूर कुछ खाने को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर इतने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है नहीं। और हम लिटरली यहाँ आए तो इतना ठंड था, तो हम वो इंडियन चाय को बहुत मिस कर रहे थे। और हम अभी ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, तो हमारा एनुअल पास भी बन चुका है, तो अब अगले सीज़न में वापस ट्राई करूँगा कि ब्लॉग बनाऊँ। मैं इतना तो एक्सपर्ट नहीं, जस्ट स्टार्ट किया हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। जितने लोग होते जा रहे ब्रिज उतना ही हिल रहा है, और उतना ही स्कैरी लगता है। जाते जाते कुछ अच्छे व्यूज़ देख लेते हैं। काफ़ी स्कैरी भी है, ब्रिज भी हिल रहा है, बट उतना ही ब्यूटीफुल भी है। अब तो इतना ठंड हो चुका है कि कान और नाक दोनों सुन पड़ चुके हैं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, बट उतना ही मज़ा भी आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ कुछ काम का मिला। इतने ठंड में आग सेकने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो अब यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, एंड इफ़ आपने यहाँ तक देखा तो बहुत सारा थैंक यू।